नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमर्स वर्ल्ड। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वह है पे फिक्सेशन। अब हम चर्चा करेंगे कि पे फिक्सेशन के दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेटर है। मैक्सिमम केसेस में जो ऑप्शन नंबर टू है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसा कि हमने सेम एग्जांपल में तथा सेम मैट्रिक्स टेबल में तथा सेम कंडीशंस में पे फिक्सेशन को बाय ऑप्शन वन तथा बाय ऑप्शन टू के द्वारा कैलकुलेट किया, तो जब हमने ऑप्शन वन के द्वारा पे को कैलकुलेट किया या पे को फिक्स किया तो ऑप्शन वन में जो बेसिक पे का अमाउंट बना वो 48,800 रुपए बना। और सेम कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जब हमने सेकंड मेथड के द्वारा पे को फिक्स किया तो बेसिक पे आफ्टर प्रमोशन जो हमारे पास आई वो सेकंड मेथड में 50,300 रुपए बनती है। तो इट मींस अगर हम ऑप्शन सेकंड को अडॉप्ट करते हैं तो इस केस में सेकंड मेथड को अडॉप्ट करने के कारण हमारी या इस इम्प्लाई विशेष की जो बेसिक पे है उसमें 1500 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। तो मैक्सिमम केसेस में जो ऑप्शंस सेकंड है वो सबसे बेस्ट रहता है। जैसा कि हमने चर्चा की कि पे फिक्सेशन के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, तो हमने ये जाना कि मैक्सिमम केसेस में जो ऑप्शन सेकंड है वह सबसे बेस्ट रहता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। इट मींस कुछ कंडीशन ऐसी है जिनमें अगर हम ऑप्शन फर्स्ट को चूज करते हैं तो वह बेस्ट रहता है। तो ये कौन कौन सी कंडीशन है। नंबर वन, अगर आपकी प्रमोशन की डेट और एनुअल इंक्रीमेंट की डेट एक ही तारीख को बढ़ती है, इट मींस प्रमोशन डेट तथा एनुअल इंक्रीमेंट डेट दोनों एक ही है, तो इस केस में आपके पे फिक्सेशन का ऑप्शन वन बेटर रहेगा। दूसरा, अगर आप जिस लेवल पर प्रमोट हो रहे हो उस लेवल पर जो मिनिमम बेसिक पे है अगर वह आपके एग्जिस्टिंग बेसिक पे अर्थात जिस लेवल पर आप हो उस लेवल पर आपकी आज की तारीख में जो बेसिक पे है अगर उसमें दो इंक्रीमेंट जोड़ दी जाती है, उसके बावजूद भी अगर आपकी जो प्रमोटर लेवल अर्थात न्यू लेवल या जिसे हम प्रमोटर लेवल कहते हैं उसकी मिनिमम बेसिक पे से कम है या उस प्रमोटर लेवल की जो मिनिमम बेसिक पे एग्जिस्टिंग बेसिक पे प्लस दो इंक्रीमेंट से ज्यादा है तब भी आपके लिए मेथड या ऑप्शन फर्स्ट ही पे फिक्सेशन के लिए बेटर रहता है। थर्ड कंडीशन कौन सी है, अगर आपकी रिटायरमेंट की डेट आपकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट की डेट से पहले, इट मींस आप जिस तारीख को प्रमोट होने जा रहे हैं और जिस तारीख को आप रिटायर होने जा रहे हैं आपकी एनुअल इंक्रीमेंट की डेट उसके बाद आती है, तो इस कंडीशन में भी अगर आप ऑप्शन
वन को चूज करते हैं तो वो आपके लिए पे फिक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर ऑप्शन माना जाएगा। तो आज हमने पे फिक्सेशन के बारे में जाना कि पे फिक्सेशन क्या होता है तथा पे फिक्सेशन की समस्या हमारे सामने किन किन कंडीशंस में आती है और पे फिक्सेशन करने के मेन कौन कौन से मेथड है तथा उनकी प्रोसेस क्या है, साथ ही साथ पे फिक्सेशन के अलग अलग ऑप्शन में किस तरह पे को फिक्स किया जाता है, इसे हमने एग्जांपल के द्वारा जाना। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।